नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा डक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, तो उस वजह से हमें एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पे एलर्जी हो जाती है, स्किन सारी रेडनेस हो जाती है, या फिर हमें ही दिक्कत हो जाती है छींके आना या फीवर होना। तो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसे आपको लेने से ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो अगर आप कंटिन्यूसली इस कॉम्बिनेशन को अगर आप थोड़ा टाइम लेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों को ठंड से प्रॉब्लम हो जाती है, मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो उससे दिक्कत हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे गर्मी हो रही होती है तो एकदम से अचानक से ठंड हो जाती है, नेज़ल की प्रॉब्लम हो जाती है, छींकें बहुत बार बार आती हैं। तो ऐसे में हम लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं कि भी हम क्या करें, और हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं होती तो हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो एक कॉम्बिनेशन है जिसे आप यूज़ करेंगे तो आपको 100% आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट मेडिसिन आती है रस्ट्रक्स 30, जो कि 30 की पोटेंसी की मेडिसिन है, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है। जैसे कि अगर वेदर चेंज होता है उससे हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं, चकत्ते से पड़ जाते हैं, जैसे कि आप कहते हैं पित्ती उछलना, उसके छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, और खुजली करते हैं हम तो वो बढ़ जाते हैं, एक जगह पे हो गए तो वो एकदम से खुजली करते ही पड़ जाएंगे, और हमें छींके बहुत ज़्यादा आती है, और हमारा नाक जो है पानी की तरह बहुत ज़्यादा बहता है, और हमारे घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, हाथ पैर में दर्द रहेगी, जॉइंट्स में हमारे दर्द रहेगी। तो इन सब के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। सेकेंड मेडिसिन आती है हमारी डलका मारा 30, जो कि ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि वेदर चेंज होता है, रेनी सीज़न, जैसे कि एकदम से गर्मी है, अब उसके बाद मौसम आपको जानते ही हैं कि बारिशों का मौसम शुरू हो रहा है, अचानक से रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो उससे हमें दिक्कत हो जाती है, हम बारिश में जाते हैं भीग जाते हैं तो उससे हमें दिक्कत हो जाती है, पूरी स्किन में हमें रैशेज हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, हमें ठंड सी भी लग जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। हमारी अगली मेडिसिन आती है हिस्टामोनियम 30, जो कि ये भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एलर्जी के लिए। जैसे कि स्किन पे एलर्जी हो जाना, या फिर नेज़ल में एलर्जी हो जाना, छींकें बार बार आना, नाक पानी की तरह बहना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। और एक मेडिसिन और है इसके अंदर एक्वानाइट 30, जो कि ये भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसे कि छींकें आना, बार बार नाक बहना, वेदर चेंज होने पे जो है हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन पे रैशेस हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, अब आपने इस कॉम्बिनेशन को बनाना कैसे है, रस्ट्रक्स 30 और डलका मारा 30, एक्वानाइट 30 और हिस्टामोनियम 30, ये चारों दवाइयाँ आपने जो है एक खाली फाइल लेनी है, इक्वल इक्वल पोटेंसी में इस मेडिसिन को मिलाना है और अच्छे से उसको हिला देंगे। तो अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, दिन में 4 बार इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे, सुबह दोपहर शाम रात, दिन में 4 बार 2-2 ड्रॉप्स अपनी जीभ पे टपकाएंगे। कई लोगों को ये होता है, कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग जो है डायरेक्टली नहीं ले पाते, हमें दिक्कत होती है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप एक चम्मच लीजिए, पानी लीजिए उसमें, और इस मेडिसिन की कम से कम नहीं तो 4 से 5 बूंदें डालिए, और धीरे धीरे उसको सिप करके पीजिए, तो उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप डायरेक्टली नहीं ले सकते तो आप इस तरीके से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इस मेडिसिन को 15 डेज तो कंटिन्यूसली लेना ही लेना है, उसके बाद फिर आप इसको कम से कम नहीं तो आपने 1 से 2 मंथ इस मेडिसिन को कंटिन्यूसली लेना है, जब तक कि अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए, जब तक पेशेंट ठीक ना हो जाए, तो कम से कम आपने इसे 4 से 5 महीने इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को लेना ही लेना है। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा होती है तो 1-1 घंटे पे इस मेडिसिन का रिपीट करें, और उसके बाद नॉर्मल होने पे दिन में 4 बार इस मेडिसिन का यूज़ करें, तो बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। मेडिसिन का कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि जैसे कि मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होने पर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ कम से कम नहीं तो 4 से 5 महीने तक अगर आप यूज़ करेंगे तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आगे मौसम जब चेंज होगा तो आपको दिक्कत इतनी नहीं होगी जितनी दिक्कत आपको पहले होती थी।
तो आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कि लोगों को पता चल सके, और मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।